तो हैदराबाद से आए हो, तो गाइस ये हैदराबाद से भंडारा लेके आए। धन्यवाद माता रानी, आपके घर में हमेशा सुख शांति और भंडार भरे रखे। थैंक यू सो मच। यहाँ पे माता रानी का भंडारा चल रहा है भाई दे रहे, तो बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे हिंदू जो यात्री आए उनके लिए खाना पीना। देख लें कि गाड़ियों को ऊपर लटकाया गया है, पुरानी गाड़ियाँ पुराने मॉडल लग रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। तो एक और नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। जय माता दी। आज है हमारा पांचवा दिन और चार नाइट्स हो चुकी हैं। तो अभी हमारे भक्त निकल चुके हैं, माता रानी के भक्त अभी निकल चुके हैं। तो आप देखते हैं, आज देखते हैं कितना सफर तय होता है। लेकिन आज से डिफ़िकल्ट सफ़र आज से स्टार्ट है, क्योंकि इस तरफ कुछ पानी की ज़्यादा दिक्कत होगी। और देखते हैं माता रानी कृपा करेगी। बाकी आप लोग जुड़े रहिएगा और पूरी की पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वैसे अभी यहाँ से कराची तकरीबन 90 किलोमीटर है और हमारा जो डिस्टेंस तकरीबन कंप्लीट हो चुका है 200 किलोमीटर। बाकी यहाँ से हिंगलाज माता का जो डिस्टेंस है 750 किलोमीटर है, अभी भी तकरीबन हमें 10 दिन लग सकते हैं। तो गाइस यहाँ से आप डिस्टेंस देख सकते हैं कि स्टील मिल 161 किलोमीटर है और कराची 79 किलोमीटर, ठट्ठा 110। अभी तकरीबन हम तीन चार किलोमीटर तय कर चुके हैं, एक घंटा हो गया हमें चलते हुए। तो ये डिस्टेंस दादा भाई सीढ़ी से निकलने के बाद ये फर्स्ट रेस्ट है और यहाँ पे तकरीबन 10-15 मिनट बैठेंगे, क्योंकि अभी तकरीबन 1.5-2 घंटे सफ़र किया है और यहाँ पे अभी बैठेंगे तकरीबन 15 मिनट या फिर आधा घंटा, थोड़ा सा रेस्ट कर लें और तकरीबन 6-7 किलोमीटर चेस करके अभी यहाँ पे रेस्ट करेंगे। तकरीबन यहाँ पे आधा घंटा रेस्ट किया और अभी दोबारा से माता रानी का जत्था और माता रानी के काफले वाले अपनी राह में फिर निकल चुके हैं। और यहाँ पे अंकल जी कुछ लिख रहे हैं, अंकल जी यहाँ पे ये लिखते हुए आ रहे हैं। कितने देर यहाँ पे बैठे और कितना टाइम लिया और कितने रेस्ट किए, सारा कुछ एक बापू जी ऐसे जो लिखते हुए चल रहे हैं। और मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताता, जय माता रानी, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता हुआ चला। अंकल जी अपनी कॉपी में लिखते हुए चल रहे हैं, भाई यहाँ पे इतना सफर चला। तो भाई माता रानी के दर्शन पे निकले हुए ये यात्री, माता रानी की कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है और ऐसे ही होता रहेगा। और आप लोग भी देखते रहिए इस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि और भी अपने हिंदू भाई है उनकी तरफ ये वीडियो जाए। यहाँ पे स्टॉप किया है, यहाँ पे चाय वगैरह बन रही है। हाँ, चाय थोड़ा जल्दी पी रहे हैं, तो यहाँ पे चाय वगैरह बन रही है, चाय पी के फिर निकलेंगे। तो गाइस स्टॉप का अननोन है, कुछ पता नहीं है, और अभी चाय बनेगी, चाय पी के फिर यहाँ से निकलेंगे आगे। बाबू जय माता दी, जय माता दी। तो यहाँ पे सब यात्री कोई सो गए, दोबारा से कोई बैठे हुए हैं, हम भी बैठते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो गाइस अभी चाय वगैरह पी ली है और अभी श्रीमद् भगवद गीता का पाठ हो रहा है, यहाँ पे पाठ हो रहा है और सब यात्री सुन रहे हैं जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है। तो चाय वगैरह पी के अब थोड़ी देर के बाद यहाँ से निकलेंगे। हाँ, ये कि तकरीबन 10 किलोमीटर फासला तय कर चुके हैं। अभी कितना टाइम लगे कुछ पता नहीं, अब इसके बाद कितना सफ़र होगा। और फिलहाल तो सुबह के सवा 6:15 बाबू जय माता दी, जय मैया नी, जय मैया। बोला भाई वाले कहाँ है? जो बच्चा हमारी टीम के बंदे, मैं इस तरफ चला गया जी। हाँ हाँ, नाश्ता कर लिया, सब कुछ हो गया पापा। तो गाइस अपना काफला अभी माता रानी का काफला जाता हुआ और यहाँ पे कुछ और चीज़ देखने के लिए मिले। यहाँ पे आप देख लें कि गाड़ियों को ऊपर लटकाया गया है, पुरानी गाड़ियाँ पुराने मॉडल लग रहे हैं। तो ये कुछ देखने के लिए हमें मिला। बोला भाई, बोला भाई, हाँ और एक गोलिया काटेगा बस यात्री, बिल्कुल मस्त। और माता रानी ने आज मौसम भी बहुत बढ़िया अच्छा किया हुआ है, धूप वगैरह नहीं निकली अभी तक। गाइस अभी सुपर हाईवे पे हैं और ये भाई तीन बंदूक के ये बॉक्सेस उठा के चल रहे हैं। भाई धन्य 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 प्रभु, माता रानी इनको खुश रखें। ये बाबूजी पीछे रह गए थे, इनका बैग उठाया, ये उनका खुद का बैग है और ये भी एक बैग है। देखें देखें भाई, धन्य प्रभु धन्य। ये थोड़ा सा रो का ख्याल करना पड़ेगा, ये रो है, इससे इस तरफ नहीं आना है। लेकिन कुछ बंदे जा रहे हैं, देखें
सफर अभी कंटिन्यू है, जुड़े रहिएगा। तो भाई सभी निकले हुए तक 2.5 घंटे हो चुके हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं डेस्टिनेशन भाई फोर्ट कासिम में 54 किलोमीटर, कराची 70 और कराची फोर्ट 102। तो अभी तक कराची 70 किलोमीटर यहाँ से पूरे, और देखते हैं भाई कितना टाइम लगता है और कहाँ से रास्ता लेते हैं। आगे का कुछ पता नहीं है, पर आज जो करंट सिचुएशन है, करंट कंडीशन है, बहुत ही बढ़िया। क्या 20 किलोमीटर उसी तरफ बाईपास से डन करेंगे। अच्छा, बाईपास से तो कराची सिटी में नहीं जाएंगे, कराची से तकरीबन 20 किलोमीटर इस तरफ बाईपास से टर्न करेंगे। बाकी देखते हैं आगे क्या सीन है, और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी माता रानी की यात्रा बहुत ही इंजॉय कर रहे होंगे और बहुत ही आनंद आ रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और तो गाइस नूरियाबाद से निकलने के बाद ये तीसरा स्टॉप है और यहाँ पे बैठेंगे रेस्ट करेंगे। मैया न माने, मैया न माने जगी दम्बे न माने, मैया न माने जगी दम्बे न माने, मेरी मैया को मेरी मैया को कैसे मैं मनाऊं रे मेरी मैया न माने। तो गाइस अभी यहाँ पे आधा घंटा बैठ के रेस्ट किया और अभी छांव हो गया, धूप निकली थी थोड़ी देर के लिए लेकिन रेस्ट हो गया। अभी यहाँ से निकलते हैं और यहाँ पे बोल रहे हैं भाई मोबाइल बिल्कुल भी नहीं निकालना है, थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि मोबाइल छीना भी जा सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी मोबाइल इतना खास नहीं यूज़ किया जाएगा। बहरहाल अभी यात्रा के लिए यात्री सारे निकल चुके हैं और आप लोग जुड़े रहिएगा, मिलते हैं कहीं स्टॉप करेंगे फिर से जुड़ेंगे। बस अभी थोड़े आगे आ चुके हैं, अभी हाईवे से थोड़ा दूर हुए फिर मैंने व्लॉग स्टार्ट लिया है, तो वहाँ पे मोबाइल निकालने को मना किया था क्योंकि थोड़ा सा डाउट था उस वजह से। तो अभी यहाँ पे होटल्स वगैरह नज़र आ रही हैं, यहाँ पे स्टे करेंगे तकरीबन, देखते हैं कितनी देर बैठते हैं, पेट पूजा करेंगे क्योंकि अब तो थोड़ा बहुत भूख लग रही है। बोला भाई भूख लगी जी भाई, लगी मार्ट में गया था, मार्ट बंद पड़ा है रमजान की वजह से। हाँ, रमज़ान है उस वजह से होटल्स इतनी खुली हुई नहीं है, अगर होटल खुली होती तो भूख की कोई दिक्कत नहीं होती। बहरहाल ये भी होटल है, सिंध बलोचिस्तान होटल बाकराबाद, यहाँ पे भाई होटल का नाम भी है सिंध बलोचिस्तान। भाई बलोचिस्तान हम जा रहे हैं सिंध से, तो होटल हमें यहाँ पे मिल के आते, यहाँ पे बैठेंगे कुछ पेट पूजा करेंगे फिर आगे निकलेंगे। देखते हैं भाई क्या खाने पीने के लिए मिलता है यहाँ पे। भाई यहाँ पे ये और यहाँ से कुछ खाने पीने के लिए ले रहे। तो भाई यहाँ से हाथ मुँह धो लिए और एक दिक्कत हो रही है भाई, आँख में पता नहीं क्या हुआ है, पानी चल रहा है आँख में से, बहुत दिक्कत हो रही है। तो अभी चलते हैं यहाँ से थोड़ा आगे, कूलर लेना, यहाँ पे चप्पलें वगैरह हर चीज़ मिल जाएगी। तो वैसे अभी यहाँ पे स्टे करेंगे और यहाँ पे ये वाटर मिलन और केले वगैरह खरीद रहे हैं। कल आयो ना आवाज उड़ा के तेरे पास में बुआ 6 किलो आप 6 किलो तबा लेके दे दो 60 रुपए किलो और केले दर्जन। चलो जी भाई पप्पू जी और आप ही रहे, जिस जिसने कुछ केले लिए कोई फ्रूट लिया बैठे हुए। अपन आगे चलते हैं, यहाँ पे टायर चौक है बड़े से बड़ी कब से। जय माता रानी बाबू, भंडारा भंडारा उठा रहा है भंडारा खोड भाई तेरे लिए क्या नहीं, फिर सब कुछ मिलेगा तेरे को, चने मिलेंगे, भंडारा मिलेगा, पानी मिलेगा, तो नहीं है भाई। चलो भाई चलो ठीक है, यहाँ पे थोड़ी देर कितनी देर यहाँ पे रेस्ट करेंगे, अगर रेस्ट वधी करे तो वहीं चाहिए। देखते हैं भाई यहाँ पे अपना काफला रुका हुआ है, लोग यहाँ पे लेटे हुए ये तो मसलो है। तो बस यहाँ पे सब सब पहुँच चुके और रेस्ट करके फिर आगे बढ़ेंगे। चाचू वाली गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है और ये आम का दरख्त है, उसके नहीं पहला दरख्त हमने देखा है आम का यहाँ पे, यहाँ पे इतने सारे लोग बैठ गए। यहाँ पे स्थान है जयराम जी की, अभी दोबारा से सफ़र शुरू होता है और यहाँ पे ये देखिए सोलर बैटरी, तकरीबन लोग निकल चुके हैं, हम भी निकल रहे हैं। भाई साहब तो सोए हुए हैं, सो उठाओ
तो अभी निकलते हैं, धूप भी अभी थोड़ी निकल चुकी है। बहरहाल माता रानी कृपा करेंगे ये शाम हो जाएगा। सो सारे यात्री दोबारा से मूव हो गए, चलते हैं। और अभी भंडारा 78 मोरी से भंडारा लेके आ रहे हैं भाई लोग। ये 78 मोरी से भंडारा लेके आए, यहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर से। तो धन्यवाद हो उनका जो इतनी दूर से हमारे लिए भंडारा पहुँचा रहे हैं, और माता रानी हमेशा खुश रखे। तो पूरी गाड़ी भर के आए हैं यहाँ पे, तो भंडारा लेके आए हैं 78 मोरी से भंडारा, पानी सब कुछ लेके आए। धन्य है माता रानी, इनको हमेशा खुश रखे। और आप लोग भी इनके लिए दुआ करिएगा कि हमेशा माता रानी इनके ऊपर कृपा बनाए रखें। जय श्री राम। ठीक तो कौन लेना है भंडारो? भगवान। भगवान हो क्या कह रहे भगवान है? भगवान दास 78 मोरी से 78 मोरी से भंडारा लेके आए अपने यात्रियों के लिए, माता रानी के यात्रियों के लिए। और चलो भाई कौन कौन आया इन सब से मिलते हैं। तो गाइस अभी सारे के सारे जो अपने यात्री हैं रेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे अपने जो भी हिंदू भाई भंडारा लेके आए हैं एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो धन्यवाद इनका। और अभी थोड़ी देर ये बैठेंगे, फिर भंडारा खाएंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ देर ज़्यादा रेस्ट करके रखेंगे, कोई रेस्ट करे रहा पता भाई गाँव साइड मरे चुकलम साइड देवी साइड यहाँ बेचारा बता जैठा आराम करे रहा मैं। यहाँ पे भी ये लेटे हुए सब भाई। जय माता की। तो हमारा ठिकाना यहीं पे, और उस तरफ भी सारे के सारे भाई लोग सोए हुए। तो गाइस पानी लेके पहुँच चुके हैं, पानी की बोतलें ये सारी की सारी लेके आए। 78 मोड़ी से आए, तकरीबन यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। हमारे उस्ताद साहब जो गाड़ी चला रहे हैं चाचू वालों की, धन्यवाद बाबू। और यहाँ पे अभी तैयारी कर रहे हैं खाना खिलाने की, जो भंडारा लेके आए हैं वो। जय माता दी। तो यहाँ पे अभी भंडारा। हाँ बाबू बिदो ठीक दो यार। अब भंडारा अभी यहाँ पे चावल वगैरह खिलाना शुरू करेंगे, गर्मी भी बहुत, लेकिन क्या अभी आए हैं तो यात्रियों को खिलाना पड़ेगा, टाइम हो गया खाने का। उस वजह से एक सब्जी की देंगे एक चावल की देंगे, उसको मिक्स कर रहे हैं। तो गाइस सब फाइनली सब्जी आ चुकी है, दाल और आलू है, आलू की सब्जी भी है। लेकिन यहाँ पे हमारे तरफ से अभी दाल पहुँच चुकी है, तो अभी आ गया है भाई, आ गया है खा ले। चलो खाना शुरू करो, अभी खा लेते हैं भाई। अभी खाना पीना सब हो चुका है, और सब यात्री बिल्कुल अभी खाना खा के तैयार होके बैठे हैं। तो अभी जा थोड़ी देर के बाद जाने की तैयारी है, लेकिन यहाँ पे जो भंडारा लेके आए थे थोड़ा सा रक्स कर रहे हैं। तो राशि भाई हमारे साथ जुड़े हुए भाई, राशि भाई धन्यवाद। शेखपुरखियों से अपने हिंदू भाई भंडारा लेके आए, माता की तरफ क्या करते हैं? बस ये माता रानी की कृपा है कि हमें माता रानी हमारे से जय माता की। तो गाइस ये बुरा भाई है कराची से, तो
हैदराबाद से आए हो, तो गाइस ये हैदराबाद से भंडारा लेके आए। धन्यवाद माता रानी, आपके घर में हमेशा सुख शांति और भंडार भरे रखे। थैंक यू सो मच। यहाँ पे माता रानी का भंडारा चल रहा है भाई दे रहे, तो बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे हिंदू जो यात्री आए उनके लिए खाना पीना। हैदराबाद टंडो गुलाम अली से भाई साहब आए, तो माता रानी ने सबके लिए प्लान करके रखा है भाई टाइम पे हर चीज़। अभी तीन भंडारे यहाँ पे आ चुके हैं, तो यही माता रानी के चमत्कार है, और जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे इतना सारे भंडारे भेज दिए, यही तो माता रानी की महिमा है। तो गाइज़ अभी 78 मोड़ी से जो हमारे भाई आए थे वो अब जा रहे हैं गाड़ी में। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बाबू, भगवान दास, जय माता रानी, जय माता रानी बाबू, जय माता रानी, धन्यवाद। अभी ये जा रहे हैं, ये 78 मोड़ी से आए थे लांडी से भगवान दास, और ये 78 मोड़ी से आए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप। और ये भी भाई इनके साथ हैं, तो अभी जा रहे हैं वापसी। 78 मोड़ी जाएंगे सिर्फ एक दो घंटों के लिए, माता रानी के जो यात्री उनकी सेवा करने के लिए आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद माता रानी, हमेशा आपको सबको खुश रखे। बोल इंगलाज मैया की जय हो, जय हो। अब ये एपिसोड यहीं पे एंड करते हैं, और यहाँ पे तीन भंडारे आए थे माता रानी के, तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आज की तक वीडियो देखते हुए आए, और कोटी कोटी परिणाम वीडियो तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमेशा दुआ में याद और ऐसे दुआ करते रहिएगा। जय माता दी, मिलते हैं एक बार इस ब्लॉग में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ध्यान।